वर्धमान नगर स्थित वंदना मालो के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें फिरियादी के अकाउंट से 53,932 रुपए निकाले गए हैं। साइबर पुलिस आरोपी की खोज में जुटी है। लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत निवासी वंदना मालू ऑनलाइन कपड़े का बिजनेस करती है। फिरियादी वंदना मालू को 9 जनवरी 2023 को एक कॉल आया था, जिसमें बताया गया था जो कुरियर आपने भेजा था वो गलत एड्रेस पर पहुंच गया है। आपको हम एक लिंक भेजते हैं, उस पर आप 5 रुपए सेंड करो, आपको आपका पार्सल मिल जाएगा। जब फिरियादी महिला ने लिंक पर जाकर 5 रुपए सेंड किए तो कुछ ही मिनटों में फिरियादी के अकाउंट से 53,932 रुपए डिडक्ट हुए। फिरियादी द्वारा इसकी शिकायत साइबर सेल में की गई, जहां साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। काल रोजी आमच्याकडे वंदना मालू नावाचे फिरियादी आले होते, ते वर्धमान नगर नागपूरला राहतात आणि त्यांचा ऑनलाइन कपड्याचा बिझनेस आहे। त्यांना 9 जानेवारीला 2023 एक फोन आला होता, कुरियर बॉय बोलतोय म्हणून, आणि तुमचं कुरियरचं जे पार्सल आहे ते चुकीच्या ठिकाणी गेलेलं आहे आणि तुम्ही तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर ते मी एक लिंक पाठवतो, त्या लिंकवर तुम्ही 5 रुपये सेंड करा, असं त्यांना फोनवर त्यांनी सांगितलं। तर फिर्यादीने त्या लिंकवर 5 रुपये सेंड केले त्यांच्या ह्याच्यातून, तर त्यांच्या 5 मिनटामध्ये त्यांच्या अकाउंटमधून 53,932 रुपये डिडक्ट झाले। तर अशा प्रकारची तक्रार आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि या निमित्ताने आम्ही सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की कुठल्याही प्रकारचं अशा प्रकारचे फेक कॉल्स येतात त्यावेळेला कोणीही आपला OTP नंबर किंवा आपली त्यांनी पाठवलेली लिंक जी असते ती ओपन करू नये आणि त्यामार्फतीने तुमचं फसवणूक होण्याची शक्यता आहे। तरी आपले डिटेल्ससुद्धा कोणाशी शेअर करायचे नसतात आणि अशा प्रकारची काही फसवणूक झाली तर सायबर पोलीस स्टेशन येथे येऊन संपर्क साधावा असं मी आवाहन करतो। इस दौरान साइबर विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अमित डोरस द्वारा नागरिकों से अपील की गई है, कोई भी फेक कॉल आने पर OTP शेयर ना करें, साथ ही बिना जांचे कोई भी लिंक पर अपने अकाउंट की डिटेल ना शेयर करें और इस तरह की धोखाधड़ी से बचे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।